क्या 1.5 करोड़ खर्च कर कभी नहीं मरेगा इंसान, भविष्य में फिर जिंदा होने के लिए डेड बॉडी फ्रीज करा रहे हैं लोग। क्या है क्रायोनिक्स? एडवांस मेडिकल तकनीक और क्रायोनिक्स साइंस के जरिए भविष्य में मरे हुए इंसानों को जिंदा करना संभव है। दुनिया भर में बढ़ रहा डेड बॉडी को फ्रीज कराने का ट्रेंड, इस वक्त दुनिया भर में करीब 600 लोगों की डेड बॉडी को फ्रीज करके रखा गया है। इनमें से 300 से ज्यादा डेड बॉडी तो सिर्फ 2 देश अमेरिका और रूस में है। इन लोगों के पूरी तरह से मरने से पहले इनके दिमाग और शरीर को लैब में रखा गया था। कानूनी तौर पर भले ही ये लोग मर चुके हैं, लेकिन क्रायोनिक्स तकनीक में भरोसा रखने वाले साइंटिस्टों का मानना है कि वे अभी सिर्फ बेहोश हुए हैं। यही वजह है कि दुनिया में कई सारे लोग मरने से पहले अपने परिवार के सामने ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि उनके शरीर को हमेशा के लिए खत्म करने के बजाय इस तकनीक के जरिए सुरक्षित रखा जाए। इसी वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत समेत दुनिया के दर्जनों देशों में प्राइवेट कंपनियों ने लैब बनाई है जो डेड बॉडी को सुरक्षित रखने का दावा करती है। मुर्दे को जिंदा करने वाले क्रायोनिक्स तकनीक क्या है? अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड गिब्सन के मुताबिक, जब इंसान को कोई तकनीक या साइंस जिंदा रखने में असफल हो जाती है, फिर मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को फ्रीजर में इस उम्मीद में रखा जाता है कि भविष्य में विज्ञान और मेडिकल साइंस के डेवलप होने के बाद उस इंसान को फिर से जिंदा करना संभव हो सकेगा। मतलब साफ है कि इन लोगों को लगता है कि आने वाले समय में मेडिकल साइंस मौत के बाद इंसानों को जिंदा कर सकेगी। उन्होंने कहा है, डिमोलिशन मैन या वनीला स्काई जैसे हॉलीवुड फिल्मों में इसी तकनीक के जरिए मरे हुए इंसानों को फिर से जिंदा करने की संभावनाओं को दिखाया गया था। जानिए कैसे डेड बॉडी को क्रायोनिक साइंस से ठंडी जगह पर रखा जाता है। इंसान को जिंदा करने के लिए डेड बॉडी को फ्रीज में रखा जाता है। क्रायोनिक्स के स्टीप में समझते हैं। स्टीप 1 में किसी इंसान की मौत होती है, क्रायोनिक्स एक्सपर्ट स्टेशन में आ जाता है। स्टीप 2, डॉक्टर ये निश्चित करते हैं कि डेड बॉडी के दिमाग तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई होती रहे। स्टेप 3, डेड बॉडी को बर्फ में पैक करके ऐसी दवा में रखा जाता है जो खून को जमने से रोके। स्टेप 4, शरीर की कोशिकाओं से पानी निकालकर उसकी जगह पर ग्लिसरॉल से बना एक केमिकल डाल दिया जाता है। स्टेप 5, 130 डिग्री के तापमान पर बॉडी को ठंडा करके जमा दिया जाता है। स्टेप 6, नाइट्रोजन से भरे एक कंटेनर में शरीर को उल्टा लटका दिया जाता है ताकि अगर कंटेनर लीक हो दिमाग बर्फ में रहे। हम आपको बता दें कि एल्कोर क्रायोनिक्स कंपनी ने बॉडी को फ्रीज करके सुरक्षित रखने की लागत $2,00,000 यानी 1,60,00,000 रुपए बताई। क्या सच में डेड बॉडी का जिंदा होना संभव है? अमेरिका के टेक्सास स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बायोएथिक्स एंड हेल्थ ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर रिचर्ड गिब्सन के मुताबिक, इस तकनीक से इंसानों को जिंदा करने की बात पर दुनिया के वैज्ञानिकों 2 फेमों में बटे हुए हैं। कुछ लोग इसे संदेह से देखते हैं तो कुछ का मानना है अगले 50 से 100 साल में ऐसा संभव है। उन्होंने कहा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा ऐसा आने वाले वक्त में संभव है। भले ही अभी ये काल्पनिक लग रहा हो, लेकिन मेडिकल साइंस ऐसा कर सकता है। हालांकि रिचर्ड का मानना है कि कई सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन रिसर्च जारी है। रिसर्च में कई सप्ताह बाद भी मरे खरगोश का दिमाग सुरक्षित मिला। अमेरिका के मिशिगन स्थित क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट डेनिस ने एक इंटरव्यू में बताया कि फरवरी 2016 में एक खरगोश के दिमाग को क्रायोनिक्स तकनीक से बेहद ठंडे माहौल में रखा गया था। कई सप्ताह के बाद जांचने पर देखा गया कि तब भी दिमाग सुरक्षित था। पहले भी दुनिया में किस इंसान की डेड बॉडी को क्रायोनिक्स प्रिजर्व करके रखा गया था? जी हाँ, 1965 में लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी ने ऑफर दिया था कि वे मौत के बाद किसी भी एक इंसान की डेड बॉडी को सुरक्षित रख सकती है। यह संस्था अमेरिका में मौत के बाद जिंदगी पर रिसर्च करती थी। इसने कहा कि डेड बॉडी को फ्रीज में जमा कर रखा जाएगा। इसके लिए जेम्स बॉटफोर्ड नामक अमेरिकी फर्स्ट प्रेशर जो किडनी कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज संभव नहीं था, ने हामी भर दी थी। इसके बाद 1967 में इनकी मौत के बाद क्रायो प्रोविजनल के जरिए जमा कर रखा गया था जो आज 51 साल बाद भी मौजूद है। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये संभव है या नहीं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बने रहें तो खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।